हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं बाइक की बैटरी को आप घर पर किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये एक 12 वोल्टेज की बैटरी है और इसे हम चार्ज करके आपको बताने वाले हैं। तो आपको सिंपली घर पर ही मैं बताऊंगा कैसे चार्ज करना है। तो आपके घर पर भी इस तरीके से इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ होगा और इस तरीके से देख पा रहे हैं लाइट रहे तभी आपको ये करना है। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी ये बैटरी कितनी चार्ज है। जब ये बैटरी डाउन हो जाती है तो बाइक में चार्ज नहीं हो पाती। देखिए, मैं इस बल्ब को जला रहा हूँ, देखिए जला फिर से धीमा हो गया बिल्कुल, यानी बैटरी हमारी चार्ज नहीं है। तो हमें करना क्या है, जो आपकी बैटरी के दोनों टर्मिनल हैं प्लस और माइनस, उनसे आपको दो वायर निकाल लेने हैं। इस तरीके का कोई सा भी वायर आप ले सकते हैं। मेरे पास एक ये वायर मैं पहले से निकाल के रखा हूँ क्योंकि हमें डेली का इस तरीके से काम लगता रहता है। तो और आपको अब दिखा दूं मैं इसमें कितना वोल्टेज किस तरीके से आ रहा है। देखिए, बैटरी जब चार्जिंग पे लगी हुई होगी तो इस तरीके से वोल्टेज इतना तेज बनेगा, 14 वोल्ट तक जाएगा। तो आपको सिंपली इसमें इस तरीके से लगा देना है और आपकी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसे, जब लाइट रहे तो आपको इसे आधे घंटे एक घंटे लगा देना है और आधे घंटे में ही बैटरी आपको फुल चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आप बाइक में लगा दीजिए बैटरी को और आपकी बैटरी फुली चार्ज्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप घर पर ही इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आपको बस इन्वर्टर की जो बैटरी है उसका माइनस बाइक की बैटरी के माइनस में और बाइक की बैटरी का प्लस इन्वर्टर की बैटरी के प्लस में लगा देना है और आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानकारी हासिल हुई होगी।